चुनाव का माहौल है और 2024 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसीलिए आज बोकारो चास में जायका रिसोर्ट में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अंतर्राज्यीय सीमावर्ती बैठक का आयोजन किया। आयोजन श्री प्रवीण कुमार सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बोकारो के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल पुरुलिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रघुनाथपुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झालदा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाग लेने का जो मुख्य उद्देश्य था, अंतर्राज्य बैठक में निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की गई: नक्सल अपराध, सांप्रदायिक संबंधी असूचना के आदान प्रदान के संबंध में, अवैध शराब, मादक पदार्थ, प्रतिबंधित वस्तुओं, अवैध शस्त्र एवं अन्य प्रतिबंधित की बरामदी के संबंध में, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के गठन के संबंध में, अंतर्राज्य गिरोहों की सक्रियता एवं कार्रवाई के संबंध में, चुनाव के दौरान अनाधिकृत रूप से पैसे का आवागमन को रोकने हेतु विधिवत कार्रवाई करने के संबंध में, अंतर्राज्य अपराधियों एवं कांड में वंचित अभियुक्तों, फरारियों, वारंटियों के विरुद्ध विशेष निगरानी रखने के संबंध में, क्योंकि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो इस तरह की घटनाएं, अपराध बढ़ जाती है और प्रशासन सख्ते में आ जाती है कि हम नियम कानून को संभालें या इन अपराधियों का सामना करें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कौस्तुभ मलई बोकारो से। इंटर डिस्ट्रिक्ट की बैठक आपने जायका में रखा है, क्या उद्देश्य क्या है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार साहब द्वारा हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी और एसपी साहब को निर्देश दिया गया था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन वोटिंग आयोजित की जाए ताकि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के आलोक में आपसी तालमेल किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना, और इसी के तहत पुरुलिया पुलिस के साथ ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें एसडीपीओ रघुनाथपुर, एसडीपीओ झालदा और ऑफिसर इंचार्ज जयपुर, ऑफिसर इंचार्ज संथालडी, ऑफिसर इंचार्ज पारा यहाँ उपस्थित हुए। डीसपी साहब, आने वाले चुनाव में देखते हुए आपराधिक गतिविधियों के साथ और भी ऐसी अवैध गतिविधियाँ भी बॉर्डर लाइन पर होती हैं, इसकी क्या तैयारियां हैं आप लोगों की ओर से? इसके लिए हम लोग 6 जगह पूरे बोकारो जिला में 6 इंटर स्टेट चेक नाका लगाए हैं, जैसे पिंडा जोड़ा में यहीं से बगल में ही 200 मीटर की दूरी पे हमारा मुद्दा चेक पोस्ट अभी भी ऑपरेशनल है, और चुनाव के दौरान इलिसिट लीकर, NDPS आइटम्स, इलीगल आर्म्स, यह सब की आवाजाही नहीं हो इसको नियंत्रित करने के लिए 6 चेक पोस्ट को हम लोग इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट को एक्टिवेट किए हैं, और वारंटी जितने भी हैं, स्पॉन्डर हैं, उसका भी लिस्ट हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं पुरुलिया पुलिस के साथ ताकि हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत इस पर कार्रवाई हो सके। तो DGP साहब का भी सख्त निर्देश है, DSP साहब की वारंटी जितने भी हैं वो उनकी धरपकड़ बहुत सक्रिय रूप से होनी चाहिए, अभी तक क्या स्थिति है? विगत एक सप्ताह में DGP साहब के निर्देशानुसार बोकारो पुलिस ने भी एब्सकॉन्डर और वारंटी, परमानेंट वारंटी के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया गया है। लगभग 42 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लिया है। आज की बैठक जो है वो बहुत सफल आपको रहने की उम्मीद है कि हम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि पुलिस का काम है इसमें एक दूसरे को सहयोग करना, और हम लोग इसी सहयोग की भावना से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग एक्टिव क्रिमिनल्स ऑफ द बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन को शेयर कर सके और उनके विरुद्ध हम लोग संयुक्त प्रयास कर सके। संवेदनशील स्थान है अपराधी दृष्टिकोण से, संवेदनशील संस्थान उसको चिन्हित करके वहाँ पे CCTV कैमरा लगाने के लिए सूची की मांग की गई है। उसके अंतर्गत हम लोग SDO साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग कर रहे हैं और पूरे बोकारो जिला में जो भी आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थान है उसको चिन्हित करके वहाँ CCTV कैमरा लगाएंगे, और हम लोग आम जनता को भी अपील कर रहे हैं कि वे भी अपने घर के बाहर या जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है उसके बाहर CCTV कैमरा लगाएं ताकि जो तीसरी आंख है उसकी निगरानी में अपराधी रह सके। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।